के पास कोई बड़ा सा पेड़ है, उसमें ये जो चुड़ैल है जो आती है, उस चुड़ैल के साथ 17 से 18 चीजें और भी उसी पेड़ पे थी। उस पेड़ के नीचे दिए जलते हैं और कोई पानी भी बहुत सारी औरतें देती हैं, वो बहुत सुंदर सी औरतें दिख रही हैं, वो सारी देती हैं पानी। फिर वो उसने कहा आदमी ने, ये तो दो मिनट का काम है। उसने सारी वो पकड़ के और एक देवी काली को उसको वो पूछता था, वो काली भी इसमें है, काली के पीछे वाली भी चीज़ें उसमें, चुड़ैल के पीछे की 12 चीज़ें चली गई, चुड़ैल अभी भी है, 6 चीज़ें उसके पीछे रह रही, फिर काली चाली और काली के साथ 18 चीज़ें और। ये तो पूरा घर भरा क्या है लड़की मामा वाली। और जब ये कौन सा है तुम्हारे घर के पास पीपल है कोई, पानी किसमें देते हैं? और जब वो तुम्हारे आसपास महिलाएं पानी देने जाती है वहाँ, और वो भी देती है, जल भी और दीपक भी रखते है, उसमें ही है, नीम के पेड़ में देते हैं पानी। कितनी दूर है? पहले ऐसे गली में जा, फिर गली में देख कितनी दूर है पेड़। रोड पे ही है, पीछे जंगल सा दिख रहा है, पर घर से गली से बाहर निकल के रोड पे पेड़ है। अब पीछे जंगल सा दिख रहा है उसकी? हाँ, अंधेरा सा दिख रहा है, अंधेरा सा दिख रहा है। पूरे घर पे ऐसे क्रिया की गई थी, लेकिन जिस दिन वो चीज आई वो उस दिन उसको पता भी चला, ये रात में यही तो आ गई थी सामने, तो इस पे ही सारी चीजें आई, यही सामने आ गई थी, इस पे सारी चीजें आई, पता चला उस दिन। ऐसे और पीपल भी है, पेड़ भी है, सारी चीजें। बोलिए शनिदेव महाराज की। इतनी सारी चीजें, ठीक है, कितनी चीज कटी है टोटल? बता तो दिया 12, वो चुड़ैल के पीछे की 12 चीजें अब कट गई हैं, 7 से 8 चीजें अभी भी हैं, फिर काली है, काली की चीजें, काली के साथ भी 18 चीजें और हैं। उसने तांत्रिक ने भेज दी इतनी चीजें? हाँ, वो काली तो उसी की थी और बाकी चुड़ैल और पेड़ पे पकड़ के। क्या बोला? ये तो मेरा मिनटों का काम। हाँ, ये तो 2 मिनट का काम है। और कर दिया उसने, बस कर दिया। और ये सामने आ गई। हाँ? इसके माथे चढ़ गई सारी। और इसको दिखाई भी नहीं। भैया ऐसा तांत्रिक था? तांत्रिक को घर पे बुलाते हो निकम्मो? सही तो बता रही है, और क्या? सही तो बता रही है वो, फिर तांत्रिक को घर पे बुलाओगे? तांत्रिक भेजा हुआ था, ये सामने आ गई। हाँ, वो बोले तो मेरा मिर्च का काम है, इस पे अभी चला देता हूँ सारी चीजें, सारी की सारी चला दी। इसका ही तो मैं देख रहा था, ये लोग नहीं तो उसका देख रहा, काली सी का चश्मे में लगा रही है। इसका ही तो पूछा था, तो इतनी तेज शोर पटाखे लगाने लगी तो मैं सो गया। अच्छा, हाँ, इसका ही पूछ रहा था भाई, पटाखे चलाने लगी तो सो गया। हाँ, उसका सुबह तो मैंने देखा है इसको, नहीं सुबह नहीं देखा, इनको तो मैं 2 बार देख चुका हूँ। पागल भी तो है तू, 15 बार देख ले, जबी तो पेट भरेगा इसका। पागल हो तू, पागल हो तू, तो जितना देखता रहेगा उतना अच्छा देखता रहेगा। देख तू पहले दिन से आज कैसा देख रहा है, तुझे तूने बता भी दिया, लकड़ी सामने आ गई, उसका फौरन क्रिया कर दी। वो बोले तो मेरे 2 मिनट का काम है, और उसने अपनी काली के साथ चीजें भेज दी 18, और उसे पेड़ से सारे पकड़ के भेज दी, पेड़ से सारे पकड़ के भेज दी। उसको कहाँ जाना था? कहीं भी नहीं, उसको तो पता चल गया इस गाँव में ये पेड़ है, इसको सब पूछते हैं, इसके ऊपर इतनी चीजें लदी हुई है, और इसकी बुआ कह रही है वहां तो कोई पेड़ नहीं, वहां तो कोई पेड़ नहीं, वहां तो कोई पेड़ नहीं। देखते तो है नहीं, अब ये समझ लेते हैं ये बावला है। इनको कई एरिया का कुछ पता नहीं है। तुम्हें तो तुम्हारे घर का कुछ पता नहीं है, दूसरों घर का तो जब पता करोगे तुम, और दूसरे घर वालों को तुम्हारा सब कुछ पता है। हाँ? वो तो ये 2 मिनट में चढ़ा देते हैं प्रेत। ऐसे ही बोल दिया मेरा पीछा मत करना। हाँ, तो उसकी चीज उसी के साथ चल देती, पीछा करते तो बाहर निकल जाती है तू अपने घर से, तू घर में टिक गई, बस घर में ही रह गई। हाँ, चक्कर आ, हाथ में कुछ था, ऐसे चक्कर है और बेहोश हो गई थी। इनके हाथ में कुछ था, ये खड़ी थी, कहीं से जा रही थी, घर में ही जा रही थी कहीं, और हाथ में कुछ था, वो बिगड़ गया और ये बेहोश हो गई। वो बिगड़ गया, हाथ में क्या था? अब कुछ हो, वो देख। पितृ दोषी दिख रहे, प्रेत तो नहीं दिख रहे। उस टाइम चाय मांगी थी मैंने।
कोई गिर गई, वही गिर गया होगा किला काल की जब ले जा रही थी लड़ाओ पड़ी तभी पकड़ के पीट देते सत्र को बाहर नहीं जाने देते पहले चीज जाएगी तो वही जाएगी तो जाएगी क्यों जी देख इतने ही दिख रहे हैं दो जो दो तीन है जो परेशान करते थे वो इतने इतने हो गए वही तो इतने हो गए दो तीन जो परेशान करते थे ज्यादा क्या आराम पड़े इसको हाँ आराम तो पड़ गए ये मान तो नहीं रही आराम पड़े मामा ने तो नहीं पड़े नहीं माने तो नहीं पड़े माने की तो पड़े पड़े कि नहीं पड़े हैं पड़े हैं बोलिए शनिदेव महाराज की वो पूरे घर को देख उसके घर में क्या बैठ जाना तू बैठ अरे चली जाने दे बैठ जा बैठ नीचे अरे वो कहा उसकी मम्मी वो आई है वो जो मिठाई लेके आई थी क्या नाम है वो चश्मे वाली जामनी जामनी क्या नाम है तेरा राकेश अरे इसका एक बेटा भी है उसको देख ले वो बैठा वहाँ ये ना हाथ उठा भाई अरे हूँ करनी हाँ है कि नहीं हाँ मम्मी की पूरी क्रिया है वो जो इन पे आई है लेकिन क्रिया तो कट गई है क्रिया तो कट गई है मम्मी की पूरी क्रिया थी जो तुम पे आई थी क्रिया कितनी रह गई जब कटी गई तो फिर रह क्या गया तीन चीजें रह गई आधी आधी तीन चीजें आधी आधी रह गई तो आराम पड़ गया फिर तो बोलिए शनिदेव महाराज की वही कभी कभी जो होता है वो उसी वजह से होता है कभी कभी जोर मारेगी वो ये बता देगा क्या देखता है और क्या नहीं देखता है इसको पता है ना क्रिया क्या है तेरे को तो बुढ़िया दिखाई दे रही है पूरी इसको तो दिखाई दे रही तू और फिर बता दे फिर जब इतना ही देखने वाला है तो क्यों भाई इनमें से जो सही बता देगा वही मान जाएंगे हम तो मेरा तो मुझे नहीं दिख रहा है तो मेरा बता दे ना इसका क्या तो इसको नहीं दिख रहा है तो तू बता दे इसका क्या है दर्द हो रहा है इसके पेट में दर्द हो रहा है बता नंदू के दूध की प्यास लगी है नंदू इनके बड़े बेटे को जी कान में आवाज आती है इनके बड़े बेटे को कान में आवाज आती है किस चीज की आती है यही बता दे तू मेरे को नंदू इनका एक और बेटा है बड़ा इससे ये बता देगा ना कैसी आवाज है वो कोई आवाज नहीं है वो ऐसे लगता है कि हवा घुसी ऐसी आवाज आती है कभी टी ऐसी आवाज आती है ऐसी आवाज आती है कोई वो नहीं वो अंदर की चीजें हैं जो बोलती हैं बस वो अंदर से बोलती है कान में कोई आवाज नहीं है ये हाँ तो वो पहले से ही बोलती थी उसमें कोई टुकड़ा पड़ा है उसको हाँ अरे बस तीन चीजें ये किसी के अंदर भी चली जाती हैं हाँ, तीन आधी आधी कटी और तीनों आदमी हैं टोटल इनकी कितनी कटी है तीनों आदमी रह रहे हैं और क्रिया तेरे नाम की थी 38 चीजें थी टोटल मिला और पूरी कट गई और पूरी कट गई और उनमें से तीन रह गई तीन आधी रह गई बोलिए शनिदेव महाराज की बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की अंश अंश है वो अब ये तीन जो कटेंगे तो वही जोर मारेंगे बस मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है।